हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉयल ट्रैकर स्टार में। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2 दिन से मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया 2 दिन, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आज 22 सितंबर है और आज पोषण माह के अंतर्गत क्या क्या गतिविधियाँ आपको अपने केंद्र पर आयोजित करनी है और कैसे उसकी डाटा एंट्री करनी है पोषण अभियान के पोर्टल पर, उससे संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलती है और काफ़ी नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पोषण माह का गतिविधि कैलेंडर हमारे सामने है, और अब हम देखते हैं कि इसमें हमारी आज 22 सितंबर है। दिनांक वाले हम कॉलम में देखेंगे कि 22 सितंबर हमारा कहाँ पर पड़ता है। 16 से 20 हो गया। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है 21/9/2023 से 23/9/2023 तक, अर्थात 21 सितंबर से और 23 सितंबर के अंतर्गत आगे जो लिखा है वो है। और यहाँ पर जो हमारा मुख्य थीम है 21 से 23 सितंबर तक, अर्थात आज 22 सितंबर है, आज भी हमारा मुख्य थीम रहेगा आयुष पद्धति तथा योगा। ये हमारा मुख्य थीम रहेगा दोस्तों 21 से 23 सितंबर तक, अर्थात आज 22 है, 22 को भी हमारा मुख्य थीम यही रहेगा। और अब इसके अंतर जो गतिविधि दी गई है उन्हें देखते हैं। यहाँ पर लिखा है जागरूकता सत्र का आयोजन, जागरूकता सत्र का आयोजन, औषधीय पौधारोपण और आयुष जीवन शैली हेतु प्रोत्साहन सत्र, योगा कैंप, पोषण वाटिका, साइकिल रैली, रंगोली प्रतियोगिता और VHSND। तो दोस्तों, मैं आपको समझाते हुए बताऊं, जागरूकता सत्र का आयोजन, आपको लोगों को जागरूक करने के लिए एक आयोजन करना है। और औषधीय पौधारोपण, जैसे नीम का पौधा हो गया और आपका सहजन का पौधा हो गया, इन पौधों का लगाना है। और फिर है आयुष जीवन शैली हेतु प्रोत्साहन सत्र, आयुष के बारे में आपको लोगों को जागरूक करना है। उसके बाद योगा कैंप का आयोजन किया जाना है। पोषण वाटिका अगर आपने बनाई हुई है तो उसे थोड़ा सही तरीके से साफ सफाई कर ले, अगर नहीं बनाई हुई है तो आप उस पोषण वाटिका बना लें। साइकिल रैली का आयोजन किया जाना है। रंगोली प्रतियोगिता आप अपने केंद्र पर आयोजित कर सकते हैं। VHSND आपका स्वास्थ्य विभाग की ओर से जैसे ही माइक्रो प्लान बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका VHSND ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखते हैं इसमें प्रतिभागी कौन कौन रहेंगे। प्रतिभागी में लिखा है यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, आशा और स्कूल के अध्यापक, स्वयं सहायता समूह की महिलाएँ, ये यहाँ पर प्रतिभागी रहेंगे। और जो नोडल अधिकारी रहेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जिला आयुष अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, ये दोस्तों यहाँ पर नोडल अधिकारी रहेंगे। और 22 सितंबर को आज आपको समझ आ गया होगा कि हमारी मुख्य थीम क्या है, गतिविधि क्या है और आपके प्रतिभागी कौन कौन रहेंगे और नोडल अधिकारी कौन कौन है आपके। तो दोस्तों, अब हमें आपको बताऊंगा कि आपको इस गतिविधि की एंट्री पोषण अभियान वाले पोर्टल पर कैसे करनी है। उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको चलना होगा अपने क्रोम ब्राउज़र पर। तो चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। दोस्तों, आप यहां पर देख पा रहे होंगे क्रोम ब्राउज़र ये रहा हमारा, हम इसको खोल लेते हैं। और अब हमें यहाँ पर सर्च करना है पोषण अभियान, तो हम यहाँ पर सर्च करेंगे पोषण अभियान। तो सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोषण अभियान की मुख्य वेबसाइट खुल जाएगी। अब आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करना है। अगर आपके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप अपने संबंधित जो आपके मुख्य सेविका हैं, CDPO हैं या आपके अन्य जो अधिकारी हैं, आप उनसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड ले सकते हैं और यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूँ।
आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। अब ये जो एक्टिविटी फॉर्म है हम इसको फिल करेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहला कॉलम दिखा रहा है यहाँ पर पोषण माह का। पोषण माह में दोस्तों हमें कुछ भी दर्ज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक पहले से ही लिखा हुआ आ रहा है। और दूसरा है यहाँ पर थीम, तो दोस्तों हमें यहाँ पर थीम को सिलेक्ट करना होगा। थीम को सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की सभी थीम खुल जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चौथे नंबर पर लिखा है इम्प्रूविंग न्यूट्रिशन थ्रू मिशन लाइफ। दोस्तों पिछली कई मुख्य थीम में भी हमने इसी को सिलेक्ट किया है और आज भी हमें इसी को सिलेक्ट करना होगा। उसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, जब हम एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि हम बार बार इसको ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब है यहाँ पर ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पहले से लिखा हुआ है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे चलते हैं। आगे है यहाँ पर लेवल। आप किस लेवल से फीडिंग कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल से फीडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप आंगनबाड़ी केंद्र लेवल से फीडिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पर AWC सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर AWC सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट AWC, अर्थात अब हमें अपना आंगनबाड़ी केंद्र का चयन करना होगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब है यहाँ पर एक्टिविटी। अब हमें यहाँ पर अपनी एक्टिविटी को सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों पहले इसी थीम के अंतर्गत हमने धीरे धीरे करके सभी एक्टिविटी को कंप्लीट किया था। और अब आप नीचे की ओर आ जाइएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जब आप सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे अवेयरनेस कैंप ऑन हेल्थी और डाइट्री प्रैक्टिस रीजनल एंड सेशनल। और फिर नीचे है प्लांटेशन ड्राइव प्रमोटिंग पोषण वाटिका वेल फोकसिंग ऑन मेडिकल प्लांट्स। तो दोस्तों ये भी नीचे आप देख पाएंगे नीचे तक की जो भी गतिविधि हैं आपकी इसी थीम के अंतर्गत हैं। यहाँ से लेकर अवेयरनेस कैंप ऑन हेल्थी डाइट्री प्रैक्टिस रीजनल एंड सेशनल, अर्थात यहाँ से लेकर मैं दिखाता हूँ जहाँ पर ये टिक किया हुआ है मैंने, यहाँ से लेकर और नीचे तक की जो आपकी गतिविधि हैं ये सभी गतिविधि आपकी 21 से और 23 सितंबर तक की गतिविधि हैं जो आपको एक एक करके सेलेक्ट करके इनकी फीडिंग करनी है। इसमें जो भी आप फीडिंग अपनी एक्टिविटी कर रही हैं आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप योगा की कर रही हैं तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे लिखा है यहाँ पर योगा कैंप। मैं दिखा दूँ आपको यहाँ पर लिखा है देखो योगा कैंप योगा फॉर हेल्थ आयुष फॉर वेल बीइंग। अगर आप योगा की एक्टिविटी कर रही हैं तो आप यहाँ पर योगा सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पोषण वाटिका कर रही हैं तो आप पोषण वाटिका ऊपर सेलेक्ट करेंगे। ऐसी आपको सभी गतिविधियाँ यहाँ पर दी गई है, आप एक एक सेलेक्ट करके सभी की फीडिंग कर सकते हैं। तो हम फिलहाल यहाँ पर यही अवेयरनेस कैंप ऑन हेल्थी डाइट्री प्रैक्टिस का सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर दिनांक का है फ्रॉम डेट और टू डेट, तो हम यहाँ पर आज की दिनांक ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स डिटेल्स, तो जो प्रतिभागी रही हैं उनकी यहाँ पर हमें संख्या दर्ज करनी है। तो यहाँ पर जो भी आपके प्रतिभागी जितने भी होंगे आप उनकी संख्या यहाँ पर दर्ज कर लीजिएगा। दर्ज करने के बाद आप देख पाएंगे टोटल यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन है हमारे सामने अपलोड पिक्चर का। अपलोड पिक्चर में जो भी आपने गतिविधि की फ़ोटो खींची है आप यहाँ पर ब्राउज़र फाइल पर क्लिक करके और अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप गतिविधि से संबंधित कुछ भी लिख सकते हैं। और लिखने के बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी एक्टिविटी सबमिट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया और लिखा हुआ आ चुका है सक्सेसफुली सबमिटेड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी गतिविधि थीम और कैसे इसकी एंट्री करनी है सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आप लोगों को काफ़ी नई नई जानकारी मिलती है और वो आपकी काफ़ी सहायता होती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।